यूपी के संभल में प्रशासन के सत्तादेशों के बाद निजी स्कूल अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते अभिभावक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनशन पर बैठे हैं। संभल में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ स्कूली बच्चों के पेरेंट्स का आक्रोश गहरा गया। प्रशासन के आदेश के बावजूद निजी स्कूल संचालकों की मनमानी जारी रहने से संभल जिले के चंदौसी में स्कूली बच्चों के पेरेंट्स ने शहर के बीच चौराहे पर टेंट लगाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। पेरेंट्स दो दिन से सड़क पर रात गुजार रहे हैं। अनशनकारियों का कहना है कि निजी स्कूल और संचालकों की मनमानी के खिलाफ जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। कल से हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपना काम व्यापार छोड़ के। प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ पे आया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होंगे, वरना हमारा अनशन कल आमरण अनशन चलता रहेगा। अनशन पे है, हमारा अनशन पर है, हमारी अधिकारी अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल प्रशासन के साथ उनकी साठगांठ हो गई है और जब तक हम उठेंगे तब हमारी मांगे। दरअसल संभल जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से री एडमिशन फीस हर साल कोर्स बदले जाने के खिलाफ स्कूली बच्चों के पेरेंट्स एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभिभावकों ने शहर के व्यापारियों समाज सेवियों के साथ निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन निजी स्कूलों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। संभल से मोहम्मद सद्दाक की रिपोर्ट।